गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स अ न्यू डे इन दुबई। और कल हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि कल हम लोग गए थे IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर, और बहुत ही एडवेंचरस प्लेस था यार। मतलब अगर तुम लोग को एडवेंचर, रोलर कोस्टर, राइड्स का शौक है तो मस्ट विजिट प्लेस। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो यार ज़रूर जाओ। मतलब हम लोग तो बच्चे ही बन गए थे, हैं ही बच्चे, तो मज़ा आया। मतलब इट वॉज़ फन, बहुत बढ़िया रहा, तो ज़रूर जाना IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर। थोड़ा सा उसका डिटेल देता हूँ। चार सेगमेंट्स में वो डिवाइडेड था। एक था IMG बुलेवर्ड, कार्टून नेटवर्क जो मोस्टली किड्स के लिए राइड्स थी, लॉस्ट वैली डायनासोर एडवेंचर और मार्वल जोन। मतलब हम लोगों को तो ज़बरदस्त राइड्स करनी थी तो हम लोग मार्वल जोन में गए थे और पूरा ऊपर से नीचे तक हिल गए यार। मतलब क्या डेंजरस, अमेजिंग अमेजिंग राइड्स थी उसके अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका टिकट कितना था, तो इट कॉस्टेड अस समवेयर अराउंड 350 dirhams पर पर्सन। मतलब ईच पर्सन 350, और अगर आप उसको अपग्रेड कराते हो तो नियर अबाउट 200 dirhams आपको देने पड़ेंगे फॉर फास्ट ट्रैक। मतलब फिर आपको क्यूज में लगने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अगर आपको जल्दी आपको बहुत कुछ कवर करना है तो मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए फास्ट ट्रैक। क्योंकि हम लोगों ने देखा, पहले हमने नॉर्मल लिया था, बट इतनी लंबी लंबी लाइन्स राइड्स के लिए, तो फिर हमने फास्ट ट्रैक में अपग्रेड करा क्योंकि टाइम बचाना था। तो विद फास्ट ट्रैक इट कॉस्टेड अस समवेयर अराउंड 550 पर पर्सन। 550 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेना, इंडियन रुपीज़ में आ जाएगा। और बाकी बढ़िया प्लेस था यार। आज हम लोग मेनली जाने वाले हैं बुर्ज खलीफा द टॉप, और इसके बाद अंडर वाटर जू कवर करेंगे, और दुबई मॉल में जितनी भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं वो सब आपको आज दिखाता हूँ। तो चलो फिर अब चलते हैं दुबई मॉल की तरफ और कवर करते हैं कुछ और एक्साइटिंग चीज़ें। दुबई मॉल, और एंट्रेंस से आपको चीज़ें दिखाता हूँ। बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग कल्चर्स के लोग यहाँ आते हैं, तो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टू सी। एंड कैसा लग रहा है भाई साहब, कैसा लग रहा है? कैसा? वेरी वेरी वेल, बहुत बढ़िया लग रहा है। और जनता देखो यार, वेदर वेदर कैसा है? हमारे इंडिया में तो फुल ठंड हुई हुई है इस टाइम। वेदर नॉर्थ, आई थिंक इट्स लाइक गोवा। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। गर्मी तो नहीं कह सकते यार, अभी गर्मी लग रही है, अभी 2 घंटे बाद ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ चाहिए हमें पाने के लिए ऊपर, तो गर्मी तो नहीं कह सकते, बट ठीक है, इट्स गुड, प्लीजेंट है, इट्स गुड। चलो कहाँ जा रहे हैं? अब हम सबसे पहले जा रहे हैं बुर्ज खलीफा के टावर की टिकट्स लेने। वहाँ पर चेक करते हैं क्या अवेलेबिलिटी है, ऑनलाइन वेरिएंट्स में टिकट है। ऑनलाइन हम लोगों ने टिकट्स चेक करी थी तो इट्स सोल्ड आउट, अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं काउंटर पे हमें टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। लेट्स चेक, या लेट्स सी। जू की जो टिकट है, इट कॉस्टेड अस 309 dirhams एंड इट इज़ नॉट फास्ट ट्रैक। तो अब मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि चीज़ें कैसी होने वाली हैं। हैव अ लुक। यहाँ से शुरू होता है ना अल्टीमेट एक्सपीरियंस जिसके लिए हम दुबई आए हैं। हैव अ लुक।
इसका ऊपर एक फ्लोर मतलब, और उसमें देखते हैं क्या है, अंडर वाटर जू में और क्या क्या चीज़ें उसमें हमें नई देखने को मिलती है, मतलब समथिंग न्यू के लिए ही तो आए हैं यार। चलो लेट्स सी। अंडर वाटर जू सेकेंड फ्लोर पे है, मतलब एक और ऊपर आना पड़ा हमें फ्लोर, तो इस पर हम चेक करते हैं कि कैसा है। देखो बाहर से देखो, नाउ वी आर इन टू द अंडर वाटर जू और इसमें कुछ अलग इन टू द क्यू देखते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अंडर वाटर जू, और उससे पहले ये लाइफ जैकेट्स पहना दिए हैं बट जाके देखते हैं क्या पर्पस है इनका। बस ये जैकेट्स इफेक्टिव भी हों, अच्छी होंगी, अच्छी होंगी, नो वरी। थोड़ा तो टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, कुछ तो सही होगा इसमें। पहले ही डरा दिया इन्होंने। वेटिंग वेटिंग वेटिंग। अब जा रहे हैं बोट पे, बोट पे देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। बोट देखो, बोट अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही से एंटर करेंगे अंडर वाटर जू में, द अंडर वाटर जू।
आपको पेंगुइन्स दिखाते हैं। This is a penguin cove, and temperature of the cove is 4 degrees Celsius. So we have the St. Gentle penguins. It's males, it's females. Males have the bracelets on the left side, females on the right side. So this is a male. And if you want to see them inside, you can upgrade your tickets for penguin show, 100 dirham per person. So we feed them with fish, we also feed them with shrimps. Now he's going to the swimming pool. This is the penguin swimming pool. Oh, this penguin is swimming. Dekho. Penguin swimming classes. एक penguin India ले जाते हैं और इसकी भी हम classes चला सकते हैं। देखो ये swim कर रही है। तो गाइस ये है द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ अंडर वाटर जू। अभी और भी बहुत कुछ है बट ये है कि ये तो बहुत बड़ा ब्लॉग बन जाता है। बट सही है यार, देखो एंजॉय करो, दुबई एंजॉय करो, यूएई नाइट क्रिएचर्स। सो गाइस अब आपको क्रोकोडाइल दिखाता हूँ। कितनी शांति से बैठा, जैसे इससे शरीफ कोई है ही नहीं। हाँ, यहाँ तो शरीफ बन के नहीं रहेगा। फर्स्ट का हम लोग को बुर्ज खलीफा का टिकट नहीं मिला है। वी आर स्टिल सर्चिंग कि कहीं से, कहीं किसी डीलर से, कहीं और से शायद टिकट मिल जाए, और एल्स हम लोग फर्स्ट को जाएंगे बुर्ज खलीफा, और फर्स्ट को ही वी आर क्लोजिंग द ट्रिप। बट मीनवाइल हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हैं, और दुबई में बिकॉज आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन फूड ढूँढने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल है। बट एक अच्छा स्टोर मिला, इफ़ यू कैन सी दिस इज़ नीट बर्गर। नीट बर्गर इज घुमा दे यार, थोड़ा सा हेल्प कर दे। दिस इज़ फॉर एवरी बर्गर सोल्ड दे प्लांट वन ट्री, इट्स अ वीगन शॉप। और उसके साथ साथ ये कम्प्लीटली वीगन है। इवन जो इनके शेक्स हैं वो भी कम्प्लीटली वीगन, वो कुछ अलग ही मटेरियल से बने हुए हैं, मतलब नो इवन मिल्क प्रोडक्ट। और बच्चों को देखो ज़रा, बच्चे दिखाता हूँ मैं। Even बच्चे बड़े सब हैं इसमें, they're having fun. So we have a lot to do here in Dubai. मतलब अगर आप आ रहे हो तो I think 8 to 10 days आपको चाहिए so that you can explore. उससे कम में like हमारे पास कम time था, तो बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, but it is fun, amazing. अभी नीट बर्गर आ जाए फिर तुम्हें बर्गर दिखाता हूँ। मीट बर्गर और इस पर है गेम चेंजर 100% प्लांट बेस्ड। मतलब अगर आप इसे देखोगे तो बहुत ही अमेजिंग सॉर्ट ऑफ बर्गर है। बेटर फॉर एनिमल्स, बेटर फॉर अर्थ एंड बेटर फॉर हेल्थ।
You can use the tray, sir. And here's the sheet. You can use the tray. Thank you. Thank you so much. So guys, we are done with food. और अब हम जा रहे हैं कहाँ? अगर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, लेट्स सी अगर वहाँ पर टिकट्स मिलती हैं या नहीं. म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि ऑनलाइन टिकट्स अवेलेबल नहीं है, तो विल सी कि हमें क्या वहाँ जाकर टिकट मिलती है. और यार इतना चलना पड़ता है ना मेट्रो तक, मतलब पैदल चलना, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है. देखो कितना होगा यहाँ से, एटलीस्ट 1 किलोमीटर होगा, पैदल चलना पड़ता है यार. ठीक है, फिटनेस कार्डियो हो जाता है. और कल वाले ब्लॉग में परफ्यूम्स वाले बहुत सारे मिलते हैं रस्ते में. हाँ, परफ्यूम्स तो यहाँ पे इट इज़ ऑल अबाउट परफ्यूम्स. और कल वाले ब्लॉग में क्या ज़बरदस्त कमेंट कर रहे थे तुम लोग. हाँ, एक एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था, अरे सर यू आर नॉट अ ब्लॉगर, यू आर अ टीचर. मैंने कहा हाँ. मैंने कहा मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग ही ऐसे करी थी कि आई डू नॉट नो हाउ टू ब्लॉग. बट करेंगे यार, जो मन करेगा करेंगे, क्योंकि यहाँ यही तो लाइफ है. क्लास में आए तो टीचिंग करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे. लाइफ में आए हैं तो ऐसे तो नहीं जाएंगे. विल ट्राई एवरीथिंग. और धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगे यार. पढ़ाना कौन सा पहले दिन से आता था, हो जाएगा. अब देखते हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के लिए टिकट हम लोग को मिलता है या नहीं. तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर देखते हैं. फिर क्या प्लान है? बस फिर आगे करेंगे प्लान. हम लोग तो बहुत रैंडम चल रहे हैं, जो जो चीज़ें बढ़िया बढ़िया आसपास हैं सब कवर कर रहे हैं. तो लेट्स सी, यहाँ पर टिकट मिलता है तो आई थिंक 2 आवर्स. भाई इतना क्राउडेड नहीं है, इतना क्राउडेड नहीं है. दुबई मॉल तो सुपर क्राउडेड. सो गाइस, म्यूजियम की तो टिकट्स नहीं मिली थी, तो हम लोग आ गए हैं अब स्की दुबई. द स्नो सिनेमा इफ यू कैन सी, ये हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कर दिया था. तो या तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, आप यहाँ के भी टिकट्स ले सकते हो. बट लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि अंदर बहुत ठंडा होने वाला है. तो लेट्स इन्जॉय, देखते हैं गर्मी में भी सर्दी का एहसास होता है या नहीं होता है. तो गाइस स्की दुबई में इन्होंने हमें सबसे पहले तो ग्लव्स पहना दिए, मतलब ऐसा. उसके बाद जैकेट्स ले रहे हैं, शूज. बस कैप रह गई है. कैप पता नहीं देते नहीं, गर्मी में भी सर्दी का एहसास. तो गाइस ऐसा कुछ बैग पकड़ा दिया है, देखो. ये बैग लेके जाएंगे चेंजिंग एरिया में और फिर रेडी होते हैं थोड़ा स्काई आइस एडवेंचर के लिए. चेंजिंग एरिया फॉर फैमिली. स्काई दुबई, स्की दुबई, स्काई दुबई. और ये कोई ड्रेस ऐसा इन्होंने पहना दिया है, उस ड्रेस देखो. तो भैया हमारी मदद कर रहे हैं कैमरा पकड़ने में और इनका कहना ये है कि अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है. तो जाके देखते हैं अब कैसा होता है और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितना ठंडा अंदर है. गाइस अंदर तो आ गए और लुक एट दिस, इतना ठंडा दुबई. क्या गर्मी में सर्दी का एहसास आ रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छे से आ रहा है. देखो तो गाइस -5 डिग्री, वो बता रहा था कि -5 डिग्री है और सच में ठंडा है, मतलब रियली रियली कोल्ड. अब कुछ देखते हैं कि वो गुफा है कुछ वहाँ पे, उस पर चेक करते हैं कि क्या है क्या नहीं है. अब लेंगे राइड्स, रोलर कोस्टर विल बी हैविंग सम स्नो राइड्स. यार क्यों है यार,
बिना क्यू के जा रहे हो? दिस इज फॉर मैट्स. तो गाइस इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. एक बार आप व्यू ले लो क्योंकि फिर बैटरी मेरा डाउन होने वाला है. अभी हम लोगों ने स्काई राइड करी थी, अभी हम जा रहे हैं फॉर दिस. इसका मैं आपको पूरा एक सिस्टम दिखाता हूँ. दिस इज रॉक बॉल. अब ध्यान से देखना. स्पेशल ब्लॉगिंग करने के लिए हमने खरीद लिया एक नई बैटरी. तो हम अब और ब्लॉग कर सकते हैं. बट राइट नाउ आज का इट्स डन. अब हम घर जा रहे हैं. घर मतलब होटल जा रहे हैं. फिर उसके बाद फिर कल का देखेंगे. यार मैं थक गया हूँ. मेरा जाने का मन कहीं नहीं है. भाई का मन है अबू धाबी घूमने का. तो देखते हैं, जाते हैं या नहीं जाते हैं कल ही देखेगा. कल पता चलेगा सुबह उठ के कि जाना है या नहीं जाना है. बाकी 31st नाइट का तो अच्छा ब्लॉग बनेगा, वो मैं आपको कल दिखाऊँगा. तो अभी के लिए घर चलते हैं.